बाड़मेर में सुबह 8 बजे हुए भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं हैं, 8 साल का एक मासूम गंभीर रूप से घायल है। घायल बच्चे को प्राथमिक उपचार के बाद साचौर रेफर किया गया है। घटना मेगा हाईवे पर भटाला गांव के पास की है, जहां ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। सूचना मिलने पर RGT व सिंहधरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतकों घायलों को गुंडा मलानी अस्पताल पहुंचाया गया है। घटना सिंहधरी थाने की है। पुलिस के अनुसार सुबह करीब 7 बजे परिवार जसोल मंदिर से गुजरात के लिए निकला था। करीब 1 घंटे बाद 8 बजे कार को सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के पड़खच्चे उड़ गए। कार आगे से पूरी पिचक गई है। कार में एक बच्चा, 3 महिला सहित 5 लोग सवार थे। कार में आगे बैठे लोग बुरी तरीके से फंस गए थे। आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत कर उनको बाहर निकाला। सभी को एम्बुलेंस में गुंडा मलानी अस्पताल में लाया गया। पहले 2 महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं बुजुर्ग कमला देवी, पत्नी चंदीराम निवासी भिलाड़ी गुजरात, 8 साल के बच्चे का गुंडा मलानी में प्राथमिक उपचार के बाद साचौर रेफर कर दिया गया है। वहीं मृतक राजेश पुत्र कैलाश महेश्वरी निवासी धानेरा, महिला द्रौपदी बहन पत्नी हाथी भाई धानेरा, मनीषा बहन पुत्री डंगूरमल निवासी धानेरा के शव को गुंडा मलानी मोर्चरी में रखा गया है। वहीं साचौर इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला कमला देवी ने भी दम तोड़ दिया। गुंडा मलानी DSP शुभकरण खींची के मुताबिक हादसे में 2 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई थी। वहीं एक ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने मृतकों के शव को गुंडा मलानी मॉर्चुरी में रखवाया है। वहीं बुजुर्ग महिला बच्चे को साचौर रेफर कर दिया गया है। सभी गुजरात धानेरा के निवासी बताए जा रहे हैं। जसोल धाम मंदिर दर्शन करके वापस धानेरा की तरफ जा रहे थे। ट्रक गुजरात से बालोतरा जा रहा था, जो तेज रफ्तार में था। कार को टक्कर मारने के बाद ट्रक भी सड़क के साइड में जाकर क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं ड्राइवर मौके से भाग निकला। जानकारी के अनुसार राजेश उर्फ राजू भाई के साथ में 2 बुआ व 1 मौसी की मौत हो गई है। हादसे में 8 वर्षीय राणू की माँ की भी मौत हो गई है। राजेश को चाय सप्लाई का व्यापार था। यह सभी 8 सितंबर को गुजरात धानेरा से जसोल मंदिर दर्शन के लिए रवाना हुए थे। सुबह करीब 7 बजे जसोल से धानेरा जाने के लिए निकले थे।